इंस्टाग्राम से बाहर देखो तो नए नए लगे जिसका भी हमारा पेपर अकेला था यूपी का है, मैं देखा लोकल टूर्नमेंट की इसके वीडियो है, मैंने लोकल जो है हमारी एक तो सर आपने बताया कि 99 में दुबई में आपने पहली बार इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया और अच्छा खेला, मतलब इंटरनेशनल में तो वैसे जूनियर टीम के लिए खेला मैं और सीनियर इंटरनेशनल जो है ना, हाँ। और वहाँ से मान सकते हैं कि आपका पीक शुरू हुआ, हाँ, जो टॉप परफॉर्मेंस होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में वो शुरू हुआ। तो सर जब बोलते हैं कि टॉप परफॉर्मेंस शुरू होती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, उस टाइम उसके मन में ऐसा होता है कि वो भाई पहाड़ भी अकेले दम पे अपने दम पे तो हो गया, तो आपने ऐसा कुछ सोचा कि मैं आगे जाके भाई ओलंपिक का सोचा हुआ एशियन का, क्या आपने सोचा? उस टाइम मतलब ये इंडियन जो लेवल था बेसिकली हमारा ये टारगेट था कि एशियन गेम से मेडल लेना है वैसे, और जो हमारी टीम उसके बाद बनी 2003 वाली टीम बनी तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमारी टीम ये वाली कुछ करेगी, तो वो चीज़ हमारी 2000 जब हमारा कोच आया ना बल्गेरियन कोच आया था उस टाइम पे 2003 में दो तीन में हमारे साथ 7-8 महीने रहा, तो उसने फिर हमें ये फील भी दिलाई, उसने हमारी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी कराई कि हमें लगने लगा कि नहीं हम, और हमें ये भी लगने लगा कि हम किसी भी टीम को मार सकते हैं एशिया में, तो तब वो हमारी ये फीलिंग आने लगी थी तब। और उसने इंटरव्यू में ही बोला था जब 2003 में जब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो बोला कि आप यहाँ क्या सोच के आए हैं, बोला हम यहाँ, तो उससे हमारा भी मोरल अप हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तो वो उसके बाद हमने पहला मैच कोरिया को मार भी दिया था, वही चैंपियन रही बाद में, तभी वो मेरे को जो 3 अवार्ड उसे मिले, तो उसके जब जीते ना तो हमारा अपने आप भी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, तो टीम बहुत अच्छा खेली उस बार, मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया, एक जापान के साथ आ रहे थे हम, ईरान के साथ 5 सेट में हार गए तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, नहीं तो पक्का मेडल था उसमें, मेडल इसलिए भी था क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, जो पहला मैच हम जीते वो कैरी फॉरवर्ड करता आखिरी तक, तो वो चीज़ हेल्प करती है। हाँ तो सर बोलते हैं कि भाई आपने बताया कि भाई बाहर से कोच आए उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ भाई वी विल डू, हम कर सकते हैं, तो सर क्या इम्पोर्टेंस रही आपके लिए एक कोच की क्या इम्पोर्टेंस है एक खिलाड़ी के लिए? नहीं कोच जैसे वॉलीबॉल एक टीम गेम है, इसके लिए मैं बताऊँ कोच इज़ उसे बोलते हैं 90% ऑफ जो काम करते हैं वो कोच ही करते हैं आपको, क्योंकि उन्हें ही पता है कि आपका पीक कब आएगा, आपको कैसी ट्रेनिंग करानी है और कौन सी ट्रेनिंग किस चीज़ की करानी है, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करानी है तो उसके भी तरीके होते हैं अलग अलग, ये नहीं है कि आप सीधे अब आपका हफ्ते 10 दिन में मैच है पूरा 100% मार रहे हैं, तो वो उसका प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं उसके, अब आजकल जैसे मैं खुद भी सीख रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो माइक्रो साइकिल काफ़ी चीज़ें एनुअल, तो ये सब चीज़ें अब हमें को नॉलेज आ रही है इस चीज़ की, तो ये सब अब उसका प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ये सब कोच वोच मिलके बनाते हैं, तो ये सब कोच के हाथ में ही है बेसिकली, अब वॉलीबॉल टीम है टीम गेम है तो उनके ही मेरे को लगता है कि कोच का पूरा योगदान रहता है इसमें। अब सर ऐसा है कि आपने इतने सारे अचीवमेंट, मतलब नो डाउट कोई डाउट नहीं है कि लेजेंड प्लेयर है सर, ठीक है, तो इतने सारे अचीवमेंट जीते इतनी, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है, मतलब कई लोग तो सोच भी नहीं सकते, अब कुछ चीज़ आपको लाइफ में लगती है कि यार हाँ ये चीज़ रह गई, ये चीज़ का रिग्रेट, ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ रहनी, मतलब करनी भी बाकी है। रिग्रेट बस एक रिग्रेट ये रहता है कि हमें, मतलब एक तो एशियन चैम्पियनशिप में मेडल नहीं रहा, वो होना चाहिए था, या फिर एशियन गेम्स मेडल, तो वही है 2006 में मैं इसलिए रिग्रेट करता हूँ क्योंकि जो कोच आया था ब्राज़ीलियन कोच वो केपेबल नहीं था मेरे हमारे हिसाब से, और वो फेडरेशन को भी पता लग गया था, मगर गलती कुछ हम में भी है कि हमने उसको जब फेडरेशन हमसे पूछा तो हमने उनको बोला नहीं कि इनको चेंज करना करके, उन्होंने हमसे पूछा भी था कि इनको चेंज कर लेते हैं, तो कुछ हमारी किस्मत या नहीं थी क्या थी कि कुछ ऐसी चीज़ें सरकमस्टेंसेस थे कि हमने मना नहीं किया, अगर हम मना करते तो क्या पता हम 2006 में मेडल आ सकता था, क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी हमारी उस टाइम। सर आप मतलब बोलते हैं ना 2003 का वो जो बोलते हैं ना वो
पूरा टूर्नामेंट ही बहुत मेमोरेबल होगा आपके लिए। अच्छा वैसे आपको कभी ऐसा होता है कि पुराना टाइम याद आता है कि कभी मतलब सपने में रखी सोते टाइम की अभी मैं खेल रहा हूँ या ऐसे बिल्कुल रियल लाइफ लगे वो बिल्कुल रियल लाइफ ऐसा कभी होता है आपके साथ? हाँ कई बार होता है। अच्छा जैसे अब नेशनल्स होती है ऐसे नेशनल्स के इस बार हम नेशनल गए थे रियल लाइफ क्या अब नेशनल चल रहा है अच्छा मैच देख रहे हैं तो मेरे को पता लग रहा है कि बॉल किसकी बनेगी तो अब मैं बोल भी रहा हूँ कि मैं कहा यार ये इसकी बॉल बनेगी और कमिट करो मतलब हमारे प्लेयर को मतलब बाहर मैनेजर था तो मैं कमिट करो वो बॉल वो मार के चला जाता है तो ये चीज रियलाइज होता है मगर अब बाहर हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे कभी ऐसा हो कि बॉल ऐसे आप टाइम मार दी तो अब मेरे पास अपनी है एक दो वीडियो है भेजता हूँ तुम्हें। पर मैं एक चीज बोलता हूँ जैसे बोलते हैं कि मुझे नहीं मतलब बोलता ओवर एंथुसियास्टिक मतलब सेलिब्रेशन होता है वो मैंने आपका देखा अभी जो विन हुई ना तो मतलब नेशनल की विनिंग मतलब बिल्कुल ही अलग से ही तो मतलब उस वो वाला मोमेंट कैसा रहा कि जब नेशनल में विन हुआ और वो कैसा मतलब क्या चीज़ है? सबसे बड़ा पहला नेशनल हम जीते थे 2001 में शायद जो चौटाला नेशनल जीते तो उसमें मैं बताऊँ कि लिटरली पूरी टीम बहुत बढ़िया खेली थी हमारी पूरी टीम मतलब और उससे सबसे बड़ी बात ये थी कि हम नीचे से गए थे नीचे से मतलब कि ऑलमोस्ट हम आप मान के चलो नीचे वाले पुल में चार मैच तो नीचे वाले पुल के होते हैं जी। उसके बाद फिर आपको खेलना पड़ता है एक ही दिन में प्ले ऑफ उसके बाद प्री क्वार्टर्स फिर उसके अगले दिन क्वार्टर फाइनल्स अच्छा। इस तरह होता है तो दो मैच तो चार मैच हो छः फिर क्वार्टर अच्छा। सात फिर सेमी आठ नौ मैच खेले थे उस वाले टोटल नेशनल में नौ मैच खेल के हम विनर रहे थे तो हरियाणा से नहीं हरियाणा से फाइनल नहीं था मैं उससे केरला से था केरला से फाइनल था तो वो जो विन है वो तो मतलब कोई भी नहीं भूल सकता एपिक ही है। मतलब वहाँ खाना से लेके मतलब दूध हर चीज किसी चीज की कमी नहीं थी और गांव में कर रहा था पहली सबसे बड़ी बात थी मतलब चलो रहने की तो जितने वो गांव में कर सकते उतने उन्होंने करी है गद्दे वद्दे और उससे ज्यादा स्कूल में देंगे गद्दे वद्दे डाले वो उससे ज्यादा मगर खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। आप जैसे मैच खत्म करके जाओ आपको एक वैसे बना रखे काउंटर से बना रखे थे जो फल फ्रूट एप्पल जो भी खाने आप वो खाओ दूध पीना दूध पियो जितना भी कोई उसको रोक टोक नहीं थी इतना बढ़िया अरेंजमेंट था मतलब ऐसा अच्छा, मैच टूर्नामेंट नहीं था। अच्छा आई थिंक आप उसमें बेस्ट अटैकर जीते थे या हाँ मैं उसमें बेस्ट प्लेयर रहा था उस वाले में हाँ और उस समय को अभी भी याद है उस टाइम पे 2001 में 11,000 रुपये मिले थे। अच्छा जो इसका भी इंसिडेंट उन्होंने कुछ लिखा था कि जो आपने अपनी मम्मा को दिया था मम्मी ने चेन वेन बनवाई थी मैंने अच्छा गोल्ड चेन बनवाई थी अच्छा अच्छा तो उस टाइम पे मम्मी हुआ है ना कि जैसे शायद पेरेंट जो है थोड़ा गेम नहीं समझते पर जब तक आप कुछ लाके ना दो बोला अब मेरा लड़का सही जा रहा है ऐसा कुछ बोला हूँ मैं उनको उस साथ खुशी तो थी कि मैंने उससे पहले भी आप मतलब वो खेल चुके थे राशिद खेल चुके थे हाँ उससे पहले खेल चुके थे अच्छा और उसके बाद भी एकदम ये हुआ कि जैसे ही चौटाला नेशनल जीते फिर 10 दिन में या हफ्ते भर बाद ही वो था क्या बोलते हैं ये हैदराबाद में नेशनल गेम्स थे तो मेरे को अभी दोनों को जाना था अभी की तबीयत खराब होगी और मैं वहाँ पहुँच के मेरी तबीयत खराब होगी अच्छा। क्योंकि मतलब यहाँ एंजॉय तो किया ही था मतलब बियर भी पी ली थी तो अब उसका गला यही खराब हो गया मेरा वहाँ जाए गला खराब हो गया तीन दिन मेरा गला आवाज़ ही निकली मेरी तो मतलब जैसे आज मैच है और एक दिन पहले तक मैंने फिर इंजेक्शन लिया तो नेक्स्ट डे फिर तमिलनाडु के साथ मैच था तो मैं बोला मैं नहीं खेल पाऊँगा तो बोले ठीक है आप रेस्ट करो रूम पे टीम चलेगी फिर एकदम फ़ोन आता है कि नहीं तो रेडी चेंज करके आओ तो फिर उसके बाद आते वक्त ही मैंने फिर क्या इंजेक्शन लिया फिर पहुंचा तब तक हार गया मैं पहला मैच तमिलनाडु से पहला मैच हार गए थे अच्छा। तो उसके बाद हम कैसे भी मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बना मतलब जिससे अभी क्वार्टर फाइनल्स शायद हरियाणा के साथ सेमीफाइनल्स था हमारा पंजाब से फाइनल था हरियाणा को सेमी से मारा पंजाब को फाइनल से मारा था मतलब बोलते हैं ना सेलिब्रेशन का आप तो नेशनल जीते तो हम मतलब वो तो बनता ही है हम लोग खाली इंटर कॉलेज जीते थे मुझे याद है 14 को सेलिब्रेट करा और सुबह उठ के फ़ोन देखते हो तो 16 हो रखी है एक 16-15 का पता ही नहीं कहाँ गया तो बिल्कुल इसको यहाँ पे कटा इसमें वो है ना स्टोरेज है तो वीडियो बहुत बड़ी बड़ी होती है फोन में हाँ फोन में तो है बिंदु भाई के घर की तो उस दिन तो पूरा एक घंटा उस मिनट तक तो चलते रहे क्या बातें ही करते रहे हम लोग कहाँ भाई तुमसे पूरा एक इंटरव्यू एक घंटे का हो गया अच्छा प्रीतम से एक चीज़ देखी मैंने नोट करी
खिलाड़ी नेशनल पार कर लेता ना अपना और पूर हो जाता है फिर उसका मतलब बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो अपना आप ही शांत हो जाएगा। और ये चीज़ और याद अंदर वाले जैसे अभी आप देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे तो वीडियो वाले आप बात कर रहे कुछ ऐसा होता है स्टेट जीतेंगे पूरे कॉलोनी मोहल्ले को बोल के रखेंगे बहुत ज़्यादा बचपन से पैदा हो गया नहीं वो फिर वो क्या होता है ना वो नया नया रहता है उनका बेसिकली क्या हो जो एक आदमी कुछ खेला नहीं है उनको कुछ मिल गया तो वो उनके लिए फिर वो बहुत बड़ी चीज़ आती है तो वो इसलिए अपने आप में कॉलर खड़े करके चाल बदल जाएगी ये सब अब वो सब कुछ तो खेल लिया अब तो कब मंगा लो और इतना इतनी नहीं पियेंगे नहीं इतनी नहीं पी जाएगी यार मंगा लो कब मैं फालतू ज़्यादा पी के कोई मतलब और मैंने एक चीज़ देखी है लड़का खेलते हैं ना और 5 किलोमीटर का टाइम 12 मिनट बता देंगे तो मतलब चुप रहना पड़ता है छोड़ यार तुम ही सही हो कुछ बोले एक बिगनर और एक मिनट 7-8 सेकंड में मार दिया 1500 होता है हमारा टेस्ट होता था तो 6 मिनट में नहीं होता था पूरा मेरे से होता है मतलब मैं सब रनिंग में सबसे बेकार ही था अच्छा सबसे लास्ट हुए सेकंड लास्ट ये टारगेट आता था कि सबसे लास्ट नहीं आना है सेकंड लास्ट आना है स्पोर्ट्स कॉलेज में वॉलीबॉल वाला को यहाँ पे भी हालत देख रहा है लास्ट नहीं आना पार्टी बन जाएगी शाम को 2600 होती थी अच्छा अभी हमने कभी दी नहीं 2400 होती थी टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट होता है 2400 नहीं वो इसलिए होता है ना इनका वो चेक करना होता है ना लड़कों का कि आप मतलब आपकी ट्रेनिंग चल रही है आप किस लेवल एबिलिटी कितनी एबिलिटी है वही वही कि आप पे अगर वर्क हो रहा है तो आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पर वो डिपेंड रहता है याद करना पड़ेगा 5 सिक्के किस लिए मिले थे वो मेरे को लग रहा है उसी लिए दिए थे 5 सिक्के एक्चुअली कब की बात है वो ये भी याद भूलिए मैं तो वो था मेरे को लग रहा है मैं इसलिए मिले थे ना वो 2003 के बाद मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूँ हाँ 3 या वो जूनियर नेशनल हुई थी यहाँ पर जूनियर नेशनल हुई थी ये देखो जूनियर नेशनल कब हुई थी जूनियर नेशनल देहरादून में जूनियर नेशनल हुई थी तब का है वो 7-8 या 9 के बाद सीनियर नेशनल हुई देहरादून में हुई है ना सीनियर नेशनल नहीं हुई नहीं सीनियर नेशनल नहीं यहाँ वो ऑल इंडिया हुआ था वो भी जब हम ज्वाइन किए थे 98 में अच्छा सर बोलते कि बोलते हैं कि अगर आप ना लाइफ की अगर आपकी कुछ अचीवमेंट भी नहीं है अगर जैसे नॉर्मल हमारे जैसे लोगों के लिए पर हमारे लिए बोलते हैं ना हम तब हीरो बन जाते हैं बोला अगर हम पाकिस्तान को किसी चीज़ में डिफीट करते हैं और आपका बोलते हैं लेजेंडरी किस्सा है कि आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान में डिफीट करा तो वो मतलब वो कैसा रहा वो मतलब वो क्या मोमेंट था और दिमाग में क्या चल रहा था क्योंकि पाकिस्तान जाना तो सबसे पहले बोला जाए ना बोलते हैं 1-way टिकट है अगर जैसे मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई मेरे को पाकिस्तान जाना है क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसे ही लोग हैं हमारा बहुत कल्चर है तो वो बोलते हैं कि भाई जाने जाने की टिकट कर रही हो आने का बाद में देख लियो तो क्यों पैसे फंसा रहे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ऐसा वैसे मतलब हमें तो पूरी सिक्योरिटी विक्योरिटी सब मिली थी तो हमें ये कभी नहीं लगा कि हम पाकिस्तान गए और तो वापसी की टिकट नहीं है करके अच्छा तो मतलब हमें अच्छा ही लगा बल्कि हम जूनियर में भी गए थे हम एक बार जूनियर में गए तो हमें मतलब उस टाइम ये था कि हम एक ही मैच जीते हैं बाकी सब हार गए 7 टेस्ट मैच खेले थे सीनियर टीम के साथ था तो हमसे बहुत अच्छी टीम थी तो हम एक ही मैच जीते 1-5 सेट खेले थे बाकी सब हार गए थे मतलब 5वां भी हारे थे वो 5 सेट खेल के हार गए थे मगर ये कभी नहीं लगा कि हम पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं था ये चीज़ मेरे को भी रियलाइज़ नहीं हुई मेरे को भी ये चीज़ पता ही नहीं था पर मेरा एक आई थिंक बाहर के भी लोग थोड़े शायद दोस्त हैं मेरे काफ़ी दोस्त हैं तो एक बंदा था यूके का सेम एज उस टाइम पे 19 रहा हुआ बोला कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो उन मतलब मैं बाहर लोगों का कल्चर देखा कि घूमने का बहुत कल्चर है उनके वहाँ मतलब वो सेव करना मतलब कम सोचते हैं सेव का
तो बोला कि 19 साल की उम्र में उसने क्या करा, मतलब पाकिस्तानी क्या होगा बेचारे के दिमाग में क्या रहा होगा, और फिर वही हिस्सा हुआ उसका, वो पता नहीं क्या हुआ, बोलते कि कुछ हुआ सुसाइड बॉम्बिंग ऐसे कुछ हुई और उसमें बेचारा मारा गया। वो तब से मेरा थोड़ा परसेप्शन ऐसा, एक एक क्रिकेट का भी इंसिडेंट आपको पता होगा कि वो गोलियां चली। हाँ मतलब हमें पूरी सिक्योरिटी थी, बाकी था हमारी किस्मत अच्छी थी, कुछ हुआ नहीं। अच्छा तो मतलब जब सैड गेम से ये था कि तब तो पूरा ही पैक कर रखा था, तो कोई उम्मीद नहीं थी कि अगर वो अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के ज्यादा नाम खराब होता, क्योंकि सैड गेम से एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें आपको कंट्री सब आती है, तो अगर ऐसे में अगर कुछ हो जाए तो फिर बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी उसमें। मगर फिर ये कहता कि जो हमारा फाइनल मैच हुआ था उसमें, तो उसमें ये हुआ कि पहले दो सेट हम जीत गए, फिर दो सेट वो जीत गए, तो सब टेंस जो माहौल था एकदम टेंस माहौल था, और क्राउड ही बहुत हल्ला कर रहा था। अच्छा मगर ये था कि पाकिस्तान के साथ ये खेलता हूँ, मैं कभी ये महसूस नहीं हुआ, मतलब जोश से रहता था पूरा कि नहीं पाकिस्तान है। अच्छा मतलब गाली वाली जो भी है करते थे, मगर वैसे हम वहाँ पाकिस्तान में गाली देंगे तो वैसे वो लोग भी वो हो जाएंगे, जोश रहता है ना, एक अलग से टेम्पो रहता है, तो वो चीज़ हमेशा रहता था, तो कभी डिमोलाइज नहीं हुआ मैं कभी इस चीज़ में। पाकिस्तान के मैं बाहर भी कई बार खेले, चैंपियनशिप में भी खेले थे, तो वहाँ फिर ये था कि उसमें मेरी 15 पॉइंट बने थे, 15 पॉइंट जीत गए थे मैं, तो 15 में 7 पॉइंट मेरे थे, साथ ही 8 पॉइंट मेरे थे, तो मतलब कपिल ने 8 पॉइंट 8 बॉल मेरी बनाई थी, मैं जो अटैक अटैक है और ब्लॉक है गाला ब्लॉक का था, सब 8 पॉइंट मेरे थे। और ये उनका जो जो प्रेसिडेंट था ना पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का, उसने बोला भी, उसने वहाँ फिर बाद में इंटरव्यू किया कि हमारा जो मैच हमारा इसलिए है कि अगर सुबह था इसलिए हार गए, नहीं था अगर ये नहीं होता हम जीत जाते। अच्छा सर मैंने एक चीज़ भी सुनी थी, मतलब जैसे बोले ना अभी के टाइम पर अगर हम मतलब इंडिया को अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें ना स्पोर्ट को, तो मेरे हिसाब से हम लोग ऐसी बातें करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ये US का यहाँ आ रहा है, सीधे को जर्मनी का यहाँ पे है, पर मैंने आपके टाइम पे सुना है कि उस टाइम पे लोग ये बात करते थे कि इंडिया से सुबह आ रहा होगा ब्लॉक है वहाँ पे ब्लॉक है, तो वो मतलब कैसा था वो दहशत वाला, मतलब बड़ा एक माहौल वो कैसा, जैसे आप बता रहे तो है, मगर उस टाइम हमें तो ये नहीं लगता था कि बाकी ओपोनेंट क्या सोचते थे, हमें नहीं पता लगता था उससे, मगर खेलते वक्त जब इंडिया में खेलते थे तब तो सुनने में आता था कि हाँ कि खेल रहे हैं, तो वो जिसी का हम जाते थे कि ऑल इंडिया खेलने जाते थे, तो मतलब आधी टीम में तो यही सोच जाती थी कि मैं मेरे नाम से नहीं ओजीसी के नाम से कि ओजीसी आ रही है, अरे यार ओजीसी आ रही है, फिर चलो अब ओजीसी के साथ मैच आते हैं, डेवलप डेवलप हो जाते थे कि अरे ओजीसी के साथ मैच है कि क्या खेलेंगे, तो हम भी सब सोचते हैं ये भोजन है। अब काफ़ी हमारी टीम का भी लेवल कम हो गया, क्योंकि मतलब मैं अपनी नहीं बात कर रहा कि कुछ नए नए उन्होंने पुराने लड़के भी सब चले गए, तो थोड़ा टीम का लेवल भी और फिर दूसरी टीमें भी अच्छी होंगी, हमें थोड़े नए भर्ती करेंगे तो फिर टाइम लगेगा टॉप में आने के लिए, कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तब। हाँ मतलब काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, आसाम में जीते हैं जो लड़के अच्छा खेले हैं काफ़ी। तो सर अभी आपने चलो ठीक है, एक टाइम था जब हम बोलते थे कि भाई उत्तराखंड में ONGC है, सुबह सर है, मंदिर सर है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक उम्मीद रहती थी नेशनल्स सीनियर नेशनल, एक उम्मीद थी कि भाई हाँ उत्तराखंड की कोई टीम है और वो आती है और सबको पेल के जाती है, और हर टीम का चाहे वो साउथ की हो चाहे रेलवे हो सबको डर रहता था कि हाँ भाई वो भी एक टीम। अब हुआ ये बिल्कुल बिल्कुल अब हुआ ये कि एकदम से अभी ये चल रहा था हमें भी लगता है, क्योंकि जब हम पहले उत्तराखंड से खेले बीच में बाहर आ गए, फिर उत्तराखंड को लेके आए ऊपर, फिर उसके बाद अब फिर आसाम चले गए, आसाम को फिर ऊपर लेके आए, तो मतलब वही आसाम को फिर क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किया हमें, वो बड़ी बात, पहले तो ऊपर आना टारगेट रहता ना, क्योंकि अब जैसे Q4 जो A4 या B4 जो टीम आएगी अच्छी टीम ही आएगी, ऊपर से जो नीचे आती है तो उनके साथ जीत के आना, तो इस बार वैसे ओवरऑल टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि हम आसाम को चलो सेकंड पे आ गए, टारगेट था यही था कि मेडल की उम्मीद नहीं थी हमें, मेरे को तो नहीं थी टोटली, हम तो था कि क्वार्टर फाइनल्स रहेंगे तो एटलीस्ट नेशनल गेम्स और फेडरेशन कप खेल पाएंगे, मगर यह है कि सेकंड पे चाहे तो टीम मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा खेली। अच्छा ये था सर यही कहता कि आप लोग
असम चले गए तो आप लोग जब असम गए तो आप लोग को यही हो गया कि चलो भाई उम्मीद है टूट गई। लेकिन फिर जब अपनी उत्तराखंड की टीम बनी अभी आप सीनियर नेशनल यंगस्टर हैं अब हमें फिर भी उम्मीद जैसा भी है अपने प्लेयर में चाहे कुछ भी हो कैसा भी खेल रहे हो और जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके या तो एनजीसी सबको लेके चली जा रही हमारी उत्तराखंड की किस्मत नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि एक जो यहाँ के लड़के हैं मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के ख़राब हैं मगर ना जो वहाँ जाने के बाद कंपटीशन जो होता है ना क्योंकि वहाँ पर भी सारी अच्छी टीमें ही आती हैं तो लेवल जो होता है उत्तराखंड का लेवल जो है ख़राब नहीं है मगर उस कंपटीशन लेवल में जो आता है ना फिर वो उनके लेवल से और ऊपर होना चाहिए बेसिकली जो समझ लो कि हमारी टीम ख़राब नहीं है यहाँ पर यहाँ खेलने के लिए अच्छी टीम है मगर ये है कि उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर होने चाहिए जैसे अब हमारी असम टीम है जैसे अभी हमारी प्रेजेंट टीम है विनीत है दो चार प्लेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए जो आपको उस लेवल पे ले जाएंगे मतलब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेलने के लिए उसमें भी ये नहीं कि विनीत अकेला खेल के जिताएगा दो चार प्लेयर अच्छे खेलना चाहिए कॉम्बिनेशन खेलना चाहिए जैसे हमारी टीम में क्या हुआ था तो एक अटैकर लवी करके था और सुख था और विनीत था तो फिर अगर एक दो फ्लॉप होता है तो दो तो चलने ही चाहिए और भीम भी है तो उसमें ये होता है ना कि एक टाइम पे अगर आपको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल में दो तीन प्लेयर तो अच्छे खेलने ही हैं तभी आप दूसरी टीम को मार पाओगे तो हम वहाँ ये हुआ कर केरला के साथ कि केरला को हमने केरला खेली अपना गेम पूरा खेल लिया मगर हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं और हमने उनको दो चार बॉल पे डिफेंस करके और ब्लॉक करके फिर वो मोराल काउंटर अटैक करके हमने उसके सब पॉइंट बनाए तो वो चीज़ का फिर हमें एडवांटेज मिला फिर इसलिए हम जीत गए फाइनल पहुंचे थे और वही फिर हरियाणा के साथ रुके नहीं हरियाणा वाले रुके नहीं हरियाणा वाले हमसे ज़्यादा अच्छा खेले हम डाउन हो गए वो चीज़ रहा घुमा तो बहुत हूँ हाँ चमोली मैं धारचूला तक गया हूँ हाँ वो एक बार मैं चला गलती से चला गया था बाद में पता लगा कि बहुत दूर है हाँ खेला हाँ नहीं उस टाइम तो नहीं खेला मैं दो तीन साल पहले खेला था जब हम यहीं थे जब बेसिकली टीम यहाँ थी वो मजा कैसे वही तो वो ये है ये क्या हुआ ना इन्होंने बेसिकली क्या किया एक कोई योगेश सावन करके है उसने वहाँ से फ्लाइट करवा दी इनके यहाँ तक अच्छा उसने पेमेंट करी तो उसने टीम बना के यहाँ भेजी है तो अब यहाँ कोई कंपटीशन की टीम ही नहीं थी तो वो सीधा वो वैसी जीत गया वही है ना बाकी हमारा मैच अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने जो टीम बनाई थी वो लोकल ही थी बेसिकली एक एक यहाँ पर वो नहीं है चंडीगढ़ से क्या नाम उसका सेटर जो है सकले नहीं चंडीगढ़ का सेटर है लोकल सेटर है वो लोकल खेलता है सिर्फ गौरव नहीं उसका क्या नाम है वो नेगी का भाई है उसका नाम कुछ बोलते भी उसको उसको ना उसको उसको कुछ नाम भी है कुछ नेगी कुछ बोलता भी उसको कुछ और नाम है मतलब पेट नेम है उसका उसके ना दो चार उसकी एक्चुअली इनके एक फिक्स्ड है एक टीम तो वही सब खेलते हैं एक साथ ही है वो यहाँ के चंडीगढ़ के लोकल पंजाब के लोकल उत्तराखंड के लोकल वो नेगी बुला के उनके साथ खेलता है उस टाइम नेगी भी नहीं खेला हमारे साथ मरद मलिक खेला था जो रेलवे वाला मलिक है ना वो खेला था हमारे साथ जो रेलवे मलिक नहीं है वो खेला था नेगी लोग बुला लेते हैं यहीं पर ही